करते हैं। होपफुली लेक्चर टू जो हमने OCW पे अपलोड किया है, आप लोगों ने उसको गौर से सुना होगा, समझा होगा, और मार्स सिमुलेटर जो हमने आपसे कहा था कि उसको डाउनलोड भी किया होगा और उसको आपने यूज़ करना भी सीखा होगा। आज के लेक्चर में हम क्या कर रहे होंगे कि उसी का रिव्यू करते हुए हम वापस जो है डिसीजन मेकिंग की इंस्ट्रक्शन जो है उनको कम्प्लीट कर रहे होंगे। अभी तक जो हमने कंप्यूटर पढ़ा था वो कंप्यूटर जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट और लोड वर्ड और स्टोर वर्ड टाइप इंस्ट्रक्शन चला सकता है, इसके अलावा और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं चला सकता। इन ऑर्डर टू रन अदर इंस्ट्रक्शन, यानी कि इस तरह की इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है हम सिर्फ और सिर्फ एक कैलकुलेटर बना सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर की डोमेन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग कैसे की जाए, डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास जो है वो कुछ खास किस्म की इंस्ट्रक्शंस है, और इन इंस्ट्रक्शंस का नाम क्या है कि उन्हें आप डिसीजन इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ठीक है, डिसीजन इंस्ट्रक्शंस क्या है कि अगर आपके पास एक कंडीशन ट्रू है तो एक खास किस्म का कोड एग्जीक्यूट होता है, और अगर एक कंडीशन फॉल्स है तो आपके पास दूसरा कोड एग्जीक्यूट होता है। सो कीपिंग दैट इन आवर माइंड, नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शंस है जो ये काम करती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डिसीजन हम क्या करते हैं कि हम रन टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना और कौन सा कोड एग्जीक्यूट नहीं करना। सी में डिसीजन मेकिंग के लिए जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं वो इफ, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर की हैं। MIPS में आपके पास डिसीजन मेकिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस इफ एल्स की इंस्ट्रक्शंस नहीं है। वहां पे खास किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं, और इंस्ट्रक्शंस का नाम क्या है उनको हम कहते हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शंस या कंडीशनल ब्रांचेस। कंडीशनल ब्रांचेस क्या है कि आप एक कंडीशन चेक करते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आप कोड के खास सेगमेंट में चले जाते हैं, ठीक है जी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप रेगुलरली जो नॉर्मली अपना कोड एग्जीक्यूट करते हैं उस पर चल रहे होते हैं। अगर आप इनको डिटेल से समझना चाहते हैं तो लेक्चर 2 OCW पे जो अपलोड किया गया है उसको गौर से देखें, उसमें हमने बहुत ज्यादा डिटेल से सी से असेंबली की तरफ ट्रांसलेशन की डिस्कशन की हुई है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो लेक्चर्स देख रहे हैं और आप उन लेक्चर्स को समझ रहे हैं, उन लेक्चर्स के वाले से कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है जी, हमारे पास दो किस्म की इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच इक्वल और ब्रांच नॉट इक्वल। ब्रांच इक्वल क्या करता है कि ब्रांच इक्वल बेसिकली मैं थोड़ा सा रिव्यू करवा दूं, ब्रांच इक्वल ये है कि अगर दो रजिस्टर्स की वैल्यू ट्रू है तो आप एक लेबल पर जंप कर जाते हैं। मैं ये आपको लेक्चर से शो करूंगा, इसकी बहुत सी एग्जाम्पल्स हमने जो है वो लेक्चर 2 में भी किए, और मैं उसका रेफरेंस जो है वो आपको देना चाहूंगा कि आप OCW पे जाएं, वहां से ये लेक्चर डाउनलोड करें और इसको समझें। ठीक है जी, मैं जस्ट रिव्यू के लिए इसको डिसीजन इंस्ट्रक्शंस को दोबारा से बताता हूँ कि हमारे पास कौन सी डिसीजन इंस्ट्रक्शंस हैं। जी जी, तो हमारे पास मैं डिसीजन इंस्ट्रक्शंस की तरफ आता हूँ। हाँ जी, तो डिसीजन इंस्ट्रक्शंस जैसा कि आपको बताया कि हमारे पास सी में एक खास किस्म का कंस्ट्रक्ट होता है जिसे हम गो टू लेबल्स कहते हैं। गो टू क्या करता है कि अगर कंडीशन आप यानी कि अपने कोड को स्विच करा रहे होते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेके जा रहे होते हैं। सी में इसको बहुत बुरा समझा जाता है, लेकिन MIPS में नेसेसरी, इसके अलावा हम और किसी तरीके से काम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये शो करना चाहूंगा कि ये कोड देखिएगा, खास सेगमेंट, इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आप क्लॉज एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दूसरी किस किस्म की इफ की कंडीशंस आती हैं, कंडीशन ट्रू है तो आप एक कोड एग्जीक्यूट करते हैं, कंडीशन फॉल्स है तो आप दूसरा कोड एग्जीक्यूट करते हैं। हम ये जो ब्लू कलर में कंडीशन है इसको रीअरेंज कर सकते हैं यूजिंग गो टू लेबल्स, देखते हैं कैसे करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है गो टू L1, तो गो टू क्या करेगा, बेसिकली आपके पास L1 जहां कहीं भी लिखा हुआ है वहां पर आपको ले जाएगा। आप L1 पर पहुंच गए और वहां पे क्या था, क्लॉज 1, आपने क्लॉज 1 को एग्जीक्यूट कर दिया और उसके बाद आप आगे निकल गए। अच्छा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसका मतलब है आप L1 पर नहीं जाएंगे, आप क्या एग्जीक्यूट करेंगे, क्लॉज 2, और क्लॉज 2 के बाद आप कहाँ चले जाएंगे, L2 पर, L2 यानी कि आपके पास एग्जिट पे। सो एग्जैक्टली वही काम हो रहा है जो यहाँ पर, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्लॉज 1 एग्जीक्यूट हो रही है और उसके बाद कोड आपका बाहर निकल जाता है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्लॉज 2 एग्जीक्यूट हो रही है और कोड बाहर निकल जाता है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जो गो टू लेबल्स के थ्रू हमने काम किया उसमें भी यही हो रहा है कि कंडीशन अगर ट्रू है
तो आप L1 पर चले जाते हैं, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो आप कहाँ चले जाते हैं, L2 पर, और L2 में जो भी कोड पड़ा है या क्लॉज 2 पे जो भी कोड पड़ा है वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, सो होपफुली यहाँ पे हमें ये समझ आ गया होगा कि कंडीशंस को किस तरीके से, इफ एल्स को किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको गो टू लेबल्स की मदद से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, सो अब हमारे पास दो किस्म की इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच इक्वल। ब्रांच इक्वल क्या है कि अगर रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 के इक्वल है तो L1 पर चले जाएं। L1 जहां कहीं भी कोड में लिखा होगा तो आप कहां चले जाएंगे, L1 पर चले जाएंगे। और अगर आपके पास कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप ब्रांच इक्वल से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। सिमिलरली इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो है ब्रांच नॉट इक्वल। अगर रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 के इक्वल नहीं है तो आप L1 पर चले जाएं। ठीक है जी, सो ये दोनों कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड कंडीशनल ब्रांचेस। ठीक है जी, कंडीशनल ब्रांचेस हैं और इनसे हम कंडीशनल ब्रांचेस हैं और इनके थ्रू हम जो है ना वो अपनी कंडीशंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी कि इफ एल्स जो है वो इनके थ्रू बना रहे हैं। सो उसके अलावा हमारे पास क्या है, अनकंडीशनल ब्रांच। अनकंडीशनल ब्रांच क्या है कि वो जे लेबल, यानी कि आप कोई कंडीशन टेस्ट नहीं कर रहे और लेबल पे जा रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक कि गो टू लेबल आप यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, या इसको हम ये भी कह सकते हैं ब्रांच इक्वल $0 लेबल। ये कंडीशन क्या करेगी, आप जैसा जानते हैं $0 ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर हमेशा जीरो पड़ा होगा, तो जीरो इज इक्वल ऑलवेज इक्वल टू जीरो लेबल, सो ये हमेशा ही कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। सो अब हम एक कोड देखते हैं जो कि C++ का है और उसको हम कन्वर्ट करते हैं MIPS कोड में। तो इस कोड में अगर आप देखें आप क्या कह रहे हैं कि इफ आई इक्वल इक्वल टू जे तो आपने क्या करना है, एफ इज इक्वल टू जी प्लस एच, और ऐसा नहीं है तो आपने क्या करना है, एफ इज इक्वल टू जी माइनस एच। सो कंडीशन आप देख सकते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो एफ जी प्लस एच और फॉल्स है तो जी माइनस एच। ठीक है जी, तो इफ एल्स में तो एक कंडीशन हमें समझ आ रही है, असेंबली में ये किस तरीके से होगी। सो असेंबली में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैपिंग। मैपिंग क्या, बेसिकली आप डिसाइड कर रहे हैं कौन सा रजिस्टर किस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आपके पास जो आई है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है S3, जे को रिप्रेजेंट कर रहा है S4, एच को रिप्रेजेंट कर रहा है S2, जी को रिप्रेजेंट कर रहा है S1, और F को रिप्रेजेंट कर रहा है S0। सो सबसे पहले तो आपने मैपिंग देख ली। मैपिंग के बाद अब आप क्या करेंगे, असेंबली का कोड लिखेंगे। सो असेंबली का कोड जरा देखिएगा, असेंबली के कोड में आपने क्या किया, ब्रांच इक्वल S3 S4 के इक्वल। S3 किसके बराबर है जनाब, आई के, और S4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जे को। सो अगर S3 S4 के इक्वल है, जी है, तो आप कहाँ चले जाएं, ट्रू पे चले जाएं। ठीक है जी, ट्रू पे चले जाएं और वहां पे आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं S1 और S2 को, रख किस पर है, S0 में। सो S1 और S2 को देखते हैं, वो जी और एच, सो जी प्लस एच इक्वल टू एफ, आप ये कर रहे हैं। ठीक, ये आपको कब करना था, जब आपकी कंडीशन ट्रू हो। तो अभी भी कैसे ही हो रहा है ये काम, जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है, जब दोनों आई और जे इक्वल होते हैं तभी ये कोड एग्जीक्यूट होता है, वरना आपके पास ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। और अगर ऐसा नहीं है, आई जे के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रू पे नहीं जाएगा, ब्रांच इक्वल से नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, सब्ट्रैक्ट की। सब्ट्रैक्ट में आप क्या करें, S1 सब्ट्रैक्ट S2, ठीक है जी, और रख किस में, जीरो में, S0 में। सो दैट इज आपके पास क्या, एफ इज इक्वल टू जी माइनस एच। ठीक है जी, और उसके बाद आप क्या करें, जे फिनिश पे जा रहे हैं। अगर ये जे फिनिश ना लगाया जाए तो आपके पास क्या होगा, क्योंकि कंप्यूटर इज अ स्टूपिड मशीन, तो वो ये नहीं समझेगा कि यहाँ के बाद इससे बाहर निकल जाना। सो बाहर वो क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट करेगा, एफ इज इक्वल टू जी प्लस एच भी कर देगा। सो बेसिकली आपको ये जे फिनिश सिर्फ इसलिए कि आपके पास एल्स के केस में सिर्फ और सिर्फ ये वाली आपके पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, इसके अलावा कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है जी, सो ये हमारे पास रिव्यू था ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन का। सिमिलरली ब्रांच नॉट इक्वल को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये आप लूप्स वगैरह हम लोग डिटेल से देख चुके हैं। ठीक है जी, अब मैं चाहूंगा कि आप इसको देखें, लूप जो है वो नॉट इक्वल टू एच है, आप क्या करते रहें, गो टू लूप करते रहें। सो लूप सबसे पहले आप देखें आप क्या करें, जी इज इक्वल टू जी प्लस ए ऑफ आई। ठीक है जी, सो ए ऑफ आई के लिए आपको क्या चाहिए कि ए ऑफ आई बेसिकली आपके पास ए पे मैप हो रहा है और इनिशियली उसमें जीरो पड़ा। सो आप बेसिकली ए ऑफ आई में जी को ऐड करते जा रहे हैं और जी में स्टोर करते जा रहे हैं। इसको जरा देखिएगा, हमने बड़ा डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया है
लेक्चर में। सो अगेन अब हम इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे। सिमिलर ने हमने वाइल लूप्स को देखा था कि वाइल लूप्स किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है जी। और हमने फिर शिफ्ट लेफ्ट के जो ऑपरेटर है इसके बारे में डिस्कस किया था, ये क्या करता है। ये आप बिल्कुल शुरू के लेक्चर में अगर जाए तो हमने ये भी डिस्कशन की हुई है, ठीक है जी। सो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट ये बताना जरूरी है। ब्रांच जो है बेसिकली आई फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन है। आई फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन है, आरएस और आरटी दो रजिस्टर्स हैं, ठीक है, जिनको आप कंपेयर करें। और इमीडिएट क्या स्पेसिफाई करते हैं, इमीडिएट स्पेसिफाई करते हैं आप कितनी इंस्ट्रक्शंस आगे जा रहे हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आप अगर तीन इंस्ट्रक्शंस हम इस कोड में जाते हैं, सो इस कोड में अगर देखें तो अगर कंडीशन ट्रू है तो आप कितनी इंस्ट्रक्शंस आगे जा रहे हैं, आप एक दो तीन, तीन इंस्ट्रक्शंस आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके इमीडिएट में क्या आएगा, थ्री आएगा, ठीक है जी। सो एक्चुअली थ्री इंटू फोर आता है क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन बाइट ऑफसेट पे आपके पास 12 भी पड़ी होती है, ठीक है। लेकिन हम ये देखेंगे लेटर ऑन कि हमने इसको भी वापस थ्री में कन्वर्ट किया है, वो कैसे किया उसको हम डिटेल से तब देखेंगे जब हम डाटा पाथ डिजाइन कर रहे होंगे, ठीक है जी। सो यहां तक हम बात कर चुके हैं, वाइल लूप ब्रांच इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट भी देख चुके हैं, ठीक है जी। और हम इसकी डिटेल्स लेटर देखें। जी जंप की जो इंस्ट्रक्शन है उसका फॉर्मेट भी हम देख लें, तो उसका फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ क्या, ऑपकोड है और उसमें एड्रेस है, ठीक है। 26 बिट एड्रेस हम इसमें लिख रहे हैं, ठीक है जी। सो हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस 26 बिट के एड्रेस को यूज कर रहे हैं। हम इसको 32 बिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम देखेंगे जब हम डाटा बाथ को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है जी। सो अब हम चलते हैं कि आज के लेक्चर के, इस प्रीवियस लेक्चर से कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। और क्वेश्चन जो है पूछने का तरीका का, जैसे हमने आपको बताया है कि आप किस तरीके से करेंगे कि आप अपना टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे, टेक्स्ट मैसेज में आप जो है वो पूछ बताएंगे कि आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। हम यहां से आपका माइक ऑन करेंगे और आप उस माइक के अगेंस्ट पे अपना क्वेश्चन पुटअप करेंगे जिससे हम बेहतर लर्निंग कर सकेंगे, ठीक है जी। सो वी आर ऑलवेज वेलकम द क्वेश्चंस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और हम चलते हैं आज के लेक्चर यानी कि इसके सप्लीमेंट्री मटेरियल की तरफ। सो अभी तक हमने इंस्ट्रक्शंस कौन सी देखी, हमने देखी इक्वालिटी की और नॉन इक्वालिटी की इंस्ट्रक्शंस, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें और भी इंस्ट्रक्शंस चाहिए। हमें इनइक्वालिटी की इंस्ट्रक्शंस पूछते हैं, इनइक्वालिटीज क्या है, हमें ये भी पता करना है ग्रेटर है लेस है, लेस देन इक्वल है या ग्रेटर देन इक्वल है। सो ये कंडीशंस भी हमें इवेलुएट करनी पड़ती है। सो फॉर दैट देयर इज एन इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड SLT, set on less than. Basically, ये क्या कर रहा होता है, आपके पास register 2 और register 3 को आपस में compare करना है। अगर register 2 less than register 3 है तो register 1 में 1 आ जाता है, ठीक है जी। ये हमने C++ के कोड से भी इसको elaborate किया, जरा देखें कोड में आपको नजर आ रहा है कि reg 2 less than reg 3 है तो reg 1 में क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा, वरना क्या होगा कि रेज वन में जीरो आएगा। सेट का मतलब डिजिटल लॉजिक डिजाइन में वन होता है और रीसेट का मतलब क्या है कि आपके पास इसका मतलब जीरो होता है, ठीक है जी। सो सेट ऑन लेस देन का मतलब क्या है कि रेज टू रेज थ्री से लेस होगा तो आप रेज वन को सेट कर देंगे यानी कि उसको आप वन कर देंगे, ठीक है जी। तो हम एक कंडीशन देखते हैं कि हम ये चाहते हैं कि एफ इफ जी लेस देन एच गो टू लेस, ठीक है जी। सो जी जो है वो डॉलर एस जीरो पे मैप हो रहा है और एच जो है एस वन पे मैप हो रहा है। सो बहुत ही आसान है, ठीक है जी। सेट लेस देन डॉलर टी जीरो, ठीक है जी, एस जीरो एस वन क्या होगा, एस जीरो को कंपेयर करेगा एस वन से। अगर एस जीरो लेस देन एस वन है तो टी जीरो में क्या आ जाएगा, आपके पास वन आ जाएगा, ठीक है जी। फिर आप कंपेरिजन कर रहे हैं ब्रांच नॉट इक्वल्स, ब्रांच नॉट इक्वल। अब जरा गौर से देखिएगा आप क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्या T0 में जीरो तो नहीं पड़ा, अगर जीरो नहीं पड़ा तो आप लेस पर चले जाएं, ठीक है जी। या जीरो पड़ा होगा या वन पड़ा होगा। जीरो पड़ाने का मतलब क्या है कि ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं थी, ऊपर वाली बात दुरुस्त नहीं थी, ठीक है जी। यानी कि S0 S1 के से लेस नहीं था, ठीक है जी। सो अगर जीरो पड़ा है तो इसका मतलब है कि S0 S1 से लेस नहीं था, लेकिन अगर वन पड़ा है तो इसका मतलब है S0 S1 से लेस है। So, उस केस में आपके पास T0, अगर ये ऊपर वाली कंडीशन ट्रू है तो T0 S0 के बराबर डॉलर जीरो के बराबर नहीं होगा, क्यों, उसमें अब आपके पास जीरो नहीं पड़ा होगा, ठीक है जी। सो आप कहाँ चले जाएंगे, लेस पर चले जाएंगे। लेस पर कोई भी आप काम कर सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन आप जो है ना वो उसको
टारगेट कर सकते हैं। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि SLT और BNE का पेयर मिलके हमें क्या बता रहा होता है कि अगर हम कंडीशन चेक करना चाह रहे हैं लेस देन वाली, ठीक है जी। अब खाली लेस देन की कंडीशन तो नहीं है, ठीक है जी, तो कभी ये भी हो सकता है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल हो जाए। तो ग्रेटर देन और इक्वल के लिए आपको अगर एक नंबर ए जो है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, अगर ए जो है वो, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ए जो है वो बी से लेस है, अगर तो ये बात सच है तो ठीक है, वरना क्या पॉसिबिलिटीज है कि अगर ये बात दुरुस्त नहीं है तो ए जो है वो बी से बड़ा भी हो सकता है और या उसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है जी। सो अगर जीरो आ गया टी जीरो में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हर चीज ये नहीं है कि ए जो है वो बी से बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या है कि या तो ए बी से बड़ा है या उसके इक्वल, दोनों केसेस में आपके पास यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है। सो अगर आप चेक करना चाह रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल, तो बी एन ई की जगह आप क्या लगा लेंगे, पीई क्यू, ठीक है जी, बहुत ही आसान है, ठीक है जी। ये कंडीशन वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि आपके पास ए लेस देन ए ग्रेटर देन बी हो, तो और इस पेयर के लिए आप करना चाह रहे हैं, तो अब आपके पास तरीका कार क्या होगा कि आप क्या करते हैं, इनका ऑर्डर चेंज कर दें, S1 और S0 का ऑर्डर चेंज कर दें, आप किसको चेक कर रहे होंगे, ए ग्रेटर देन बी को, ठीक है। सो बेसिकली आप एक ही इंस्ट्रक्शन SLT को यूज करते हुए कौन कौन सी इनइक्वालिटीज चेक कर सकते हैं, लेस देन की, ग्रेटर देन इक्वल की, ग्रेटर देन की और लेस देन और इक्वल की। सो ये सारी की सारी आप इनइक्वालिटीज चेक कर सकते हैं सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन के एक्चुअल यानी कि सही तरीके से उसकी ऑर्गेनाइजेशन करने से, उसके सही जो है वो आप क्या कह सकते हैं उसके परमुटेशन लेने से, ठीक है जी। सो हम तीन इंस्ट्रक्शन ऐड करके भी ये काम कर सकते थे, लेकिन हमने सिंपल एक ही इंस्ट्रक्शन SLT के साथ जो है वो सारे के सारा काम किया, जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया आपको क्यों हम ऐसा करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम अपना डिजाइन जो है वो सिंपल रखना चाह रहे हैं, क्यों सिंपल रखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है सिंपलर इज बेटर, दैट इज द MIPS गोल, और ये एक डिजाइन प्रिंसिपल भी है, ठीक है जी। सो आपने देखा कि ग्रेटर देन के लिए आप क्या करेंगे, ग्रेटर देन के लिए आपको पता है कि आपने ऑर्डर चेंज कर देना है दोनों रजिस्टर्स का, यानी कि आप फिर क्या कर रहे होंगे, H लेस देन G चेक कर रहे होंगे, ठीक है, जो कि यही बात है कि G जो है वो ग्रेटर देन H है, ठीक है जी। सो यहां तक बात हमें मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, इनइक्वालिटीज, अब जैसे मैंने जैसे बात की कि आप क्या कर रहे हैं SLTBEQ क्या बनता है, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है, ठीक है जी। और इसी तरीके से अब ये पेयर्स है मुख्तलिफ के आपके पास SLTBNEBEQ इंस्ट्रक्शंस मिला के जो है वो आपके पास सारी इनइक्वालिटीज कौन कौन सी, इक्वल की, नॉट इक्वल की, लेस देन की, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और इक्वल की सारी इनइक्वालिटीज को जो है वो आप इसके थ्रू टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। हम इमीडिएट अब भी हमें हो सकता है आ जाए कि हम बजाय इसके कि हम दो वेरिएबल्स को टेस्ट कर रहे हो, हम एक नंबर के साथ अपनी कंडीशन चेक करेंगे, जैसे कि g ग्रेटर देन 1। सो उसके इसमें हमारे पास एक खास किस्म की इंस्ट्रक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, SLTI, ठीक है। सो SLT और SLTI दो इंस्ट्रक्शन हमारे पास, हमने न्यू इंस्ट्रक्शन सीखी और इनको यूज करते हुए हम तकरीबन तमाम किस्म की इनइक्वालिटीज को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है जी। अनसाइंड नंबर के लिए आपके पास क्या है, SLTU है, अगेन इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन जैसा आपको पता होना चाहिए साइन और अनसाइन में क्या फर्क है, ये आपको अभी आपके स्कोप से ये बाहर है, लेटर ऑन जब हम डिजाइन कर रहे होंगे तब हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है, ठीक है जी। सो यहां तक हमारे पास जो है ना वो इनइक्वालिटीज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक, और इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज जिसकी इंस्ट्रक्शन तमाम की तमाम कंप्लीट हो चुकी है। हमने इस हवाले से एक वीडियो लेक्चर में पूरी की पूरी आपके पास जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड की हुई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से BEQ को यूज कर रहे हैं, हम किस तरीके से जो है वो गो टू लेबल्स को यूज कर रहे हैं, BNE को यूज कर रहे हैं, ठीक, और किस तरीके से C++ का रिलेशन है आपके पास MIPS की BEQ और BNE के साथ। सो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है OCW पे लेक्चर 2 को गौर से देखें, समझें,
और असूलन तो आज ही आपको क्वेश्चंस करने चाहिए थे, लेकिन मैं इसको ओपन रखता हूँ, आप किसी भी टाइम जो है वो इससे क्वेश्चन रेलेवेंट जो है वो भेज सकते हैं। ठीक हो गया। अभी तक के लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हो आपके, कोई क्वेरीज हो सो डू आस्क, आई एम अवेलेबल। मैं अभी आपसे जो है वो डिस्कशन भी कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों के माइक सबके ऑन कर रहा हूँ। So if you have any question, do ask. One thing I would like to mention, ke, be very, very professional, considerate in your questions. Or unprofessional behavior, jo hai, wo, mat adopt kare. Theek. So thank you very much. Main aap sabke mics on kar raha hun. Ji, any question? Achha. जी, अटेंडेंस आप लोगों ने मार्क कर लिए? जी उसामा ताहिर जी, बताइएगा आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। उसामा ताहिर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? उसामा ताहिर अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आपके जो है वो हम अटेंडेंस में एब्सेंट मार्क कर रहे होंगे। जी उसामा ताहिर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, सो उनके अटेंडेंस हम एब्सेंट मार्क कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जीशान अली। जीशान अली आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, जिशान अली की भी एब्सेंट मार्क होगी। उस्वा अशरफ, उस्वा अशरफ मैं आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया। जी बताइएगा कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, और हम जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था। आज के लेक्चर में पहले हमने ओवरव्यू लिया डिसीजन वाली इंस्ट्रक्शंस का और लूप्स का। उसके बाद हमने पहले दो इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं, एक डिसीजन की इंस्ट्रक्शंस कौन-कौन सी हैं, ब्रांच इक्वल और ब्रांच नॉट इक्वल, इसके कंडीशनल इक्वेशन कंडीशनल है और अनकंडीशनल में जंप आ जाती है। ठीक है, और हमने एसएलटी की इंस्ट्रक्शंस पढ़ी। ठीक है, आप अपना माइक ऑफ करें, मैं उमर तारिक से पूछना चाहूंगा। उमर तारिक जी बताइएगा कि हमने एसएलटी की जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ी है वो क्या करती है। एसएलटी की सर इंस्ट्रक्शन जो है वो जो हमारे पास टू नंबर्स हैं या दो कंपैरिजन है वो ग्रेटर देन या इक्वल या लेस देन इक्वल टू, ये कंपैरिजन करती है सर एसएलटी की। इनइक्वालिटीज को टेस्ट करते हैं हम, यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन को हम इसके थ्रू टेस्ट करते हैं। ठीक है जी, लेक्चर को दोबारा से देखिएगा, मजीद बेहतर समझ आएगी आपको। अच्छा जी, मैं माइक आपको ऑफ कर रहा हूँ। जी अनिला सईद, अनिला सईद बताएं कि सी प्लस प्लस में जो ब्रांच इक्वल है, जो कंडीशंस हैं इफ एल्स, वो मिप्स में किस तरह से मैप होती है। जी अनिला सईद आपको आवाज आ रही है? अनिला सईद रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, सो हम उनका जो है वो एब्सेंट मार्क करते हैं। अच्छा जी, अजहरुद्दीन, अजहरुद्दीन साहब बताइएगा। अजहरुद्दीन साहब ये जो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे इनकी एब्सेंट मार्क हो रही है, सो बी अवेयर ऑफ दैट। ठीक है जी, और अटेंडेंस जो है वो हमने ब्लॉक कर दी है, इसके बाद हम अटेंडेंस नहीं ले रहे होंगे। ठीक है जी, सो जी कोई क्वेश्चन आप लोगों का इसके हवाले से? आई गेस आप लोगों का कोई क्वेश्चन, आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, आप एडमिन के थ्रू अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। ठीक है जी,
और जो स्टूडेंट्स नहीं आए सो बी वेयर के दो एब्सेंट्स हो चुके हैं, दो एब्सेंट्स के बाद तीसरी एब्सेंट जो है दैट मींस कि आप जो है वो ड्रॉप हो सकते हैं इस कोर्स से. सो थैंक यू वेरी मच, होप टू सी यू. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़.